हेलो एवरीवन uh, आज के लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर थर्टीन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के टोटल फोर चैप्टर्स है बायोलॉजी के अंदर उसमें से सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी क्योंकि इसमें यह समझाया है कि जो ऑर्गेनिजम्स है ऑर्गेनिजम्स मतलब आप जानते हैं जो भी लिविंग थिंग है जिसको हमने लाइव बोला है उनका जो ग्रुप है जिनको हम पॉपुलेशन कहते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल है जैसे कि वाटर है सॉइल uh, है टेम्परेचर है उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं और ये भी इस चैप्टर में समझना है कि इन्होंने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अपने आप को एडप्ट कैसे किया है तो ये चैप्टर की शुरुआत अगर इंट्रो से करें तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में हम सबसे पहले जो स्टडी कर रहे हैं ये वाले चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी तो इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है लॉजी मतलब साइंस और इको का मतलब क्या हुआ इकोलॉजी में स्टडी हो रही है इंटरेक्शन्स अमंग दी ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट इसका मीनिंग समझते हैं लॉजी मतलब साइंस एक ऐसा साइंस जो किसकी स्टडी कर रहा है जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहा है ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग तो लिविंग लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पहले वो मैं थोड़ा बता देता हूँ एकदम बेजिक क्वेश्चन है ये कि लिविंग लिविंग का इंटरेक्शन कैसे है तो बहुत ही बेसिक है अगर समझे तो आ, जैसे कि हम लोग फूड के लिए डिपेंडेड है आइधर प्लांट्स के ऊपर और आइधर एनिमल्स के ऊपर तो प्लांट्स भी लिविंग है एनिमल भी लिविंग है तो ये इंटरेक्शन हो गया हमारा एक दूसरे के साथ बैक्टीरिया वायरस से हमें इन्फेक्शन करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ हमसे जुड़ी हुई है वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ये हुआ इंटरेक्शंस बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट्स तो ये हुआ इंटरेक्शंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वो ऑर्गेनिजम्स आपस में दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो इंटरेक्शन कर ही रहे और एक इंटरेक्शन भी कर रहे मतलब ये हुआ लिविंग लिविंग का आपस में इंटरेक्शन और दूसरा इंटरेक्शंस है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किए जाने वाला इंटरेक्शन जो ए बायोटिक है ए बायोटिक का मतलब हुआ नॉन लिविंग मतलब लिविंग लिविंग के साथ इंटरेक्शन कर रहा है जो बायोटिक है जैसे कि हम प्लांट्स को खा रहे हैं कार्निवरस अर्विवोरस को खा रहा है एक बैक्टीरिया अपने होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है और उसको डिजीज कर रहा है हमें वायरल इन्फेक्शन होता है हमें बैक्टीरिया से टाइफॉइड हो गया ये सब लिविंग लिविंग के इंटरेक्शन की बात है जिसको बायोटिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं और जो नॉन लिविंग के साथ लिविंग का इंटरेक्शन है उसको ए बायोटिक कहते हैं बायोटिक मतलब नॉन लिविंग तो पहला सवाल तो ये कि नॉन लिविंग के साथ हम क्यों इंटरेक्शन करेंगे और कैसे करेंगे करेंगे तो तो ये भी मैं आपको बताता हूँ देखिए वाटर के साथ हमारा सबसे ज़्यादा रिलेशन है क्योंकि विदाउट वाटर इवोल्यूशन भी नहीं हुआ था और वाटर से ही इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वाटर के विदाउट लाइफ को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते पर वाटर नॉन लिविंग मटीरियल है सॉइल सौयल, सॉयल एक नॉन लिविंग मटीरियल है टेम्परेचर ये भी नॉन लिविंग मटीरियल है पर फिर भी उसकी इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है लिविंग के ऊपर क्योंकि विदाउट वाटर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विदाउट सॉइल हम खाना कैसे बनाएंगे हम सोय हम जो प्लांट है उसको कल्टिवेट कहाँ करेंगे तो ये रिलेशन हुआ लिविंग का नॉन लिविंग के साथ तो इसकी जो स्टडी करता है जो लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन है लिविंग का नॉन लिविंग के साथ जो इंटरेक्शन है जो उसकी स्टडी करता है वो साइंस का नाम होगा इकोलॉजी हमने इकोलॉजी को चार लेवल में डिवाइड किया है जो आपको दिख रहा होगा पीडीएफ के अंदर एक है ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन्स कम्युनिटीज़ और बायोमैस इसको हम डिटेल में समझते हैं एक एक करके पर सबसे पहले हमें समझाया गया है ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट तो सबसे पहले इकोलॉजी में भी बहुत से डिवीज़न है तो इकोलॉजी एक बड़ा साइंस है उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको भी सब क्लासिफाई किया गया है तो उनका एक क्लासिफिकेशन है, है? लेवल मतलब से जुड़ी है तो वो क्या समझाती है और किसके बारे में हमें फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी हमें ये समझाती है कि अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड ऐसे ही जगहों पर पाया जाएगा जहाँ स्नो है जहाँ लोअर टेम्परेचर है और मैंगो ट्री ऑलवेज हायर टेम्परेचर वाले रीजन में पाया जाता है जैसे गुजरात तो एशियाटिक लायन में जो एक हम कह सकते हैं कि एशियाटिक लायन की स्पीशीज हैं उनका जो एक घर जिसको कह सकते हैं एक मात्र घर वो है गुजरात अब कहने की बात यह कि कहीं पिछले चैप्टर में लिखा था कि भी कैनेडा के अंदर मैंगो ग्रो नहीं हो सकता और स्नो लेपर्ड है वो गुजरात के अंदर नहीं मिल सकता उसका रीज़न यही है क्योंकि जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो सालों से वहाँ रहने के लिए एडप्ट है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उससे शूटेबल है या फिर उसने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिए शूटेबल बना लिया है तो ये प्रोसीजर जो है जिसको हम कह सकते हैं एडप्टेशन किसी भी जगह पर अगर रहना है जिंदा रहना है सर्वाइव करना है और चाहते हो कि नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू आए और वो भी सर्वाइव करे तो फिर उस जगह से आपको एडप्ट होना पड़ेगा किसी के ओपोज में जाकर कभी भी कुछ भी नहीं जीता जा सकता आपको फ्लो के साथ बहना पड़ता है ये जो बात है अगर फिलोसॉफिकली ले तो फ्लो के साथ बहने वाला फ्लो के साथ जाने वाला ऑलवेज जीत जाता है ऑलवेज विनर है जो जितना रजिस्ट करता है उतना परेशान होता है इसलिए कहा गया मैंने एक जगह पढ़ा था कि चेंज मतलब परिवर्तन ये दुख का कारण नहीं है दुख का कारण है चेंज के लिए रेजिस्टेंस जब भी कोई चेंज आता है जब भी बदलाव आता है सोसाइटी में बदलाव आता है एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आता है पॉलिटिकली कुछ चेंज आता है आ, सोशो इकोनॉमिकली कुछ चेंज आता है कोई भी चेंज वो दुखदाई नहीं है दुखदाई है चेंज के लिए खुद को रेजिस्ट करना मतलब उस चेंज को एक्सेप्ट ना करना उससे ओपोज में रहना उससे विरोध में रहना तो वो ऑलवेज दुखदाई है वो खत्म कर देता है कोई भी स्पीशीज हो कोई भी इंसान हो अगर इंसानी बात करे तो इंसान खत्म होने लगता है वो नेगेटिव एरा में चला, में चला जाता है नेगेटिव एनवायरमेंट में चला जाता है तो यहाँ पर भी वैसी बात है कि एनवायरमेंट जो है वो ऑलवेज बदलता रहता है आज की अर्थ देख लीजिए और आज से कुछ सालों पहले की अर्थ देख लीजिए जब अर्थ का बर्थ हुआ तब तो ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी और आज से पचास हजार सालों पहले भी अर्थ ऐसी नहीं थी मतलब कॉन्स्टेंटली अर्थ में कोई ना कोई चेंज आ रहा है और वो आएगा ही क्योंकि कहा गया है ओनली चेंज इज परमानेंट इस दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है वो चेंज इसका मतलब है बदलाव तो आएगा ही आएगा आप उसको नहीं रोक सकते आज के पचास सालों के बाद का एवायरमेंट कुछ डिफरेंट ही होगा डेफिनेटली तो इसका मतलब ये हुआ कि एन्वायरमेंट तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज करता जा रहा है जैसे हम गुजरात में रह रहे, रहे यहाँ का एनवायरमेंट फिलहाल हमारे लिए प्रॉपर है या हम इसके लिए एडप्टेड है हो सकता है पचास सालों में इसमें कुछ चेंज आए अगर चेंज आता है तो आपको भी अपने आप को उसके साथ एडप्ट करना होगा तो आपने ऐसे कौन से बदलाव किए जिस वजह से आप ये नए एनवायरमेंट में रहने के लिए अब कैपेबल हो गए उसकी स्टडी ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी करता है और सेकंड टॉपिक में देखिए द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द टील्ट ऑफ इट्स एक्सिस कोज द एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड दीजन्स हम जानते हैं कि अर्थ रोटेट होती रहती है और वो टील्ट भी है तो एक तो वो खुद घूम रही है और एक सन के आसपास घूम रही है इन दोनों रोटेशन की वजह से टेम्परेचर और सीजंस क्रिएट होते हैं इसी रीज़न की वजह से आप देखिए कहीं पर डेजर्ट्स फॉर्म हुए हैं कहीं पर रेन फॉरेस्ट फॉर्म हुए हैं कहीं पर टूंडरा मतलब एक्सट्रीमली लोवर टेम्परेचर है स्नो कवरिंग एरियाज जिसको कहते हैं वो कवर वो मतलब फॉर्म हुए हैं इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न अर्थ का रोटेशन है तो ये रोटेशन की वजह से जो सीजन्स क्रिएट होती है उस सीजन्स की वजह से अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर जो एरिया है रीजियन है वहाँ पर अलग अलग तरीके के रेन और स्नो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है सब जगह एक तरीके की बारिश नहीं है और ना स्नो एक तरीके का टेम्परेचर भी नहीं है अगर सीजन एक जैसी नहीं है टेम्परेचर एक जैसा नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पर सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी एक जैसे नहीं होंगे थोड़ा उसके लिए आपको देखो बायो डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन दिखाया है अब फोटो में देखिए मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर के अंदर एक्स एक्सिस पे दिखाया है और वाई पे मीन एनुअल टेम्परेचर दिखाया इन दोनों से आप ये जान सकते हैं कि डेजर्ट्स में एक एग्जाम्पल डेजर्ट्स का लेते हैं इसका इंटरप्रिटेशन करते जो पिक्चर दिखा है उसका तो डेजर्ट्स के अंदर आप टेम्परेचर देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है जबकि उसमें बारिश कितनी हो रही है रेन के थ्रू वाटर कितना गिरता है वो ज़रा देखिए वो नियर अबाउट फिफ्टी सेंटीमीटर है और एक एग्जांपल लेते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखिए आप फिगर में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उसका टेम्परेचर लगभग लगभग बीस पच्चीस के आसपास नजर आ रहा है और इसमें बारिश 150 सेंटीमीटर से लेके 430 और 20 तक लगभग दिख रही है इतनी बारिश मिलती है ऐसे आप सबका देख सकते है। आर्केटिक हैं आर्केटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ग्रासलैंड, लैंड टेम्परेट फॉरेस्ट तो ये फिगर दिखा रही है कि अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टेम्परेचर है और उसी के साथ रेनफॉल भी डिफरेंट है और डेफिनेटली ये सब कुछ डिफरेंट है इसलिए वहाँ का पूरा सीजन एनवायरमेंट सब कुछ डिफरेंट होगा तो वहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स भी डिफरेंट हो गए उस जगह पे टिके रहने के लिए उन्होंने कुछ अपने आप को डेवलप किया होगा कुछ इम्प्रूवाइज किया होगा जिसको हम क्या कहते हैं कुछ वेरिएशंस प्रोड्यूस किए होंगे खुद में जिसी को हम एडप्टेशन कहते हैं कि बदलाव के साथ खुद को उस बदलाव से मैच कर लेना उसके साथ पॉजिटिवली जुड़ जाना ये अडप्टेसन है जैसे देखते कि आपको अलग अलग तरीके के बहुत से रीजियंस दिखाए जहाँ के सीजन्स और जहाँ का बिल्कुल एन्वामेंट एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट रहेगा अब पहला फिगर देखिए उसमें डेजर्ट दिखा है दूसरे फिगर में देखिए पेगविंस दिख रहे हैं मतलब स्नो कवरिंग एरिया है तीसरा देखिए जिसमें एक्सट्रीम ग्रीनरी दिख रही है वो जो रेन फॉरेस्ट जैसा दिख रहा है चौथा देखिए जिसमें पहाड़ दिख रहे हैं जो स्नो से कवर्ड है और फिफ्थ देखिए जिसमें शायद एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखाने की कोशिश की है और सिक्स देखिए एक खड्डा है मतलब इस खड्डे के अंदर भी कुछ है इस खड्डे के अंदर हमने एक्चुअल में क्या किया है कंपोस्टिंग कर रहे हैं हम तो कंपोस्टिंग कर रहे हैं जहाँ पर हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स है जैसे कि उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको इस खड्डे के अंदर डाल देते और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते ऐसे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना नेचुरल फर्टिलाइज़र काउडंग से तो ऐसी कंडीशन जहां पर खड्डे के अंदर आपने उसे मिट्टी से ढक दिया उसके नीचे एकदम वार्म एनवायरमेंट क्रिएट होगा वहां पर ऑक्सीजन की भी अनवेबिलिटी होगी उसके बाद भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता हुआ दिखेगा जैसे बता रहे कि लाइफ एग्जिस्ट करती है इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट कितनी भी हार्श कंडीशन हो कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो फिर भी लाइफ मिल जाएगी वहां राजस्थान का डेजर्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर उसके बाद भी वहाँ पर लाइफ है रेन सॉक्ट मेघालया फॉरेस्ट हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में ये जो चेरापूंजी है वो मेघालय में आया हुआ है रेन सॉक्ट फॉरेस्ट है वहाँ पर एक्सट्रीम रेन होता रहता है वहाँ डीप ओशन ट्रेंचिस ओशन का एकदम डीप एरिया वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वाटर का प्रेशर एक्सट्रीम लेवल का होता है उस प्रेशर को बियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर भी लाइफ है Torrential streams, polar regions, polar regions पे extreme snow covering area जिसको कहते हैं एक्सट्रीम लोअर टेम्परेचर मिलेगा माइनस में टेम्परेचर मिलेगा फिर फिर भी वहाँ पैगनिंद दिख जाते हैं पोलर बियर्स दिख जाते हाई माउंटेन टॉप्स वहाँ पर क्या इश्यू है सबसे पहले तो जितना आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे ज़मीन से उतना जो हवा का लेवल है वो कम होता जाएगा और ऑक्सीजन कम होती जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होता जाएगा तो लो ऑक्सीजन और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों कंडीशन में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है फिर भी वहां पर लाइफ है थर्मल स्प्रिंग्स कई बार हमने सुना है कि जमीन से गर्म पानी निकलते एकदम तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का वाटर नाइन्टी डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर हमें मिल जाता है गुजरात में तुलसी शाम पे आपको मिलेगा वहां पर लोग काफी विजिट करते हैं वहां पर ये जगह है जहां पर थर्मल स्प्रिंग है छोटा सा एक वहां पर भी कुछ है कंपोस्ट पिट जैसे मैंने अभी बताया जो खड्डा है उसमें हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं उसमें भी कुछ है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जैसे कि चैप्टर नंबर सेकेंड में हमने इलेवन साइंस में पढ़ा था बायोलॉजी में कि गर्म पानी जो थर्मल स्प्रिंग है उसमें थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया रहते हैं हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में भी वो सर्वाइव करने के लिए कैपेबल है जो बुक में एग्जाम्पल नहीं अगर वो ले लें वॉल्केनो जो इरप्टिंग होते हैं जो वॉल्केनो है उनके माउथ के पास वॉल्के नाम के बैक्टीरिया रहते हैं इतनी गर्म जगहों पे भी सर्वाइवल के लिए उन्होंने एडप्टेशन कर रखा है कंपोस्ट पिट में मैंने बताया वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑक्सीजन की अन है फिर भी वहाँ पर आपको मिथेनोजेंस मिथेनोकोकस बैक्टेरिया मिल जाते हैं जो सर्वाइव कर लेते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आ, जो सिनारी है जो सीजन्स हैं जो रीजियंस है जो कितने भी हार्श क्यों ना हो फिर भी वहाँ पर लाइफ तो है क्योंकि उस एनवायरनमेंट से अपने आप को उस ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट कर लिया है जिससे वो वहाँ रह सके इवन हमारा इंटेस्टाइन भी किसी का रहने का घर है कौन रहता है हमारे इंटेस्टाइन में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से एक का मैं नाम लेता हूँ जो बहुत अच्छा है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ई कोलाई बैक्टीरिया जिसका पूरा नाम है इस कोलाई कोलाई वर्ड कोलोन से आया है इंटस्टाइन का एक पार्ट और ये बैक्टीरिया बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है ये अच्छे बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया से हमें बचाते हैं और आपको एक चीज़ और बता दूँ ये बैक्टीरिया का सबसे बड़ा फायदा ये बहुत लो अमाउंट में हमारे लिए बी नाम का विटामिन बनाते हैं जो बुक में नहीं दिया है मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ थर्ड टॉपिक में देखे इसमें ये लिखा है ये सब कुछ हमने पढ़ा तो इसमें ये लिखा गया है कि फिजियोकेमिकल कॉम्पोनेंट जो है फिजिको सॉरी फिजिको केमिकल कॉम्पोनेंट जो है जिसको ए बायोटिक या नॉन लिविंग का है वाटर लाइट टेम्परेचर सोइल जो लिविंग नहीं है हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कौन इंटरेक्ट कर रहा है जो लिविंग है तो वाटर लाइट टेम्परेचर सॉइल ये नॉन लिविंग है एबायोटिक है और उसके साथ इंटरेक्शन कौन कर रहा है लिविंग तो लिविंग में कौन सी कौन सी कैटेगरी है पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स ये भी डिजीज कॉजिंग है पर पैरासाइट छोटे होते हैं जनरली साइज में जैसे बैक्टीरिया को पैरासाइट्स कहते हैं वायरस भी पैरासाइटिक कैटेगरी में भी आता है प्रिडेटर शिकार करने वाले जैसे लायन टाइगर कॉम्पीटिटर्स ये हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो आपस में कॉम्पिटिट करते हैं जैसे कि कॉम्पिटिशन करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल लायन और टाइगर इन दोनों का फूड लगभग एक जैसा होने की वजह से इन दोनों में फूड के लिए कॉम्पिटिशन है तो कह सकते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है वो हमें समझना है वो चैप्टर के एंड में दिखा है पर सबसे पहले तो लिविंग का इंटरेक्शन समझने से पहले हमें नॉन लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन समझना है इसलिए इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ए बायोटिक फैक्टर्स सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर सेकेंड फैक्टर वाटर थर्ड लाइट एंड फोर्थ सोइल और उसके बाद देखिए अब टेम्परेचर के बारे में जानते हैं ये जो चार हमने जो टॉपिक देखे टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सोइल उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं ये बहुत ही ईजी है क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो चार चीज़ें हैं वो कैसे अफेक्ट करती है लिविंग को या तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये कैसे जुड़ी हुई है सब जानते हैं हर कोई जानता है तो सबसे पहले देखते टेम्परेचर कहते कि मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है सबसे ज्यादा जो कहता है ना लिविंग को अफेक्ट करता है ये वो फैक्टर है अब टेम्परेचर की बात करें तो सीज़न्स के हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है और अगर हम ये बात करें कि इक्वेटर से आप पोलर रीजियंस की तरफ जाते जाओगे तो टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जाएगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे मिलता है क्योंकि वहां पर सनलाइट ज्यादा होती है और स्ट्रेट आती है साउथ अफ्रीका एमेजोन के फॉरेस्ट ये सब इक्वेटर पे आए हुए हैं और पोलर रीजन्स पे जाओ ग्रीनलैंड नॉर्वे तो वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लोअर है स्नो कवरिंग एरिया हो जाते वहां और दूसरा भी एक एग्जाम्पल ले सकते ज़मीन के नीचे की तरफ ज़मीन के लेवल की तरफ टेम्परेचर ऑलवेज़ ज़्यादा होता है और जैसे आप माउंटेन के टॉप की तरफ या ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते जाओगे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा इसका मतलब ये टॉपिक समझाना ये चाहता है कि टेम्परेचर ऑलवेज आपको अलग अलग रेंज में मिलेगा माउंटेन के टॉप पे जैसे हिमालयन रीजन्स में देखें तो स्नो कवरिंग एरियाज है क्योंकि वो ज़मीन से बहुत ऊपर के अल्टीट्यूड पे हैं और जबकि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा मिलेगा और पोलर रीजन में सबसे कम विंटर में सबसे कम टेम्परेचर होगा समर में सबसे ज्यादा तो यहां वेरिएशन है टेम्परेचर का कहीं पर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर मिलता है कुछ ट्रॉपिकल जो डेजर्ट है वहां और कुछ ऐसी भी जगह है जहां फिफ्टी डिग्री सेल्सियस माइनस में मिलता है पर एवरेज टेम्परेचर की बात करें थर्मल स्प्रिंग और डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स तो वो 100 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर सकता है 50 डिग्री नहीं 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर है ये थर्मल स्प्रिंग्स जो मैंने अभी आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स सी का एकदम डीप एरिया जहाँ उसकी जमीन के जस्ट नीचे मेघमा घूम रहा है या ऐसे रोक के ऊपर जमीन आई हुई है जो रोक के जस्ट नीचे मेघमा घूम रहा है तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वहां तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर अलग 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 वेराइटी में अलग अलग रेंज में मिलते हैं इस अर्थ पे जितने भी प्लेसेस है वहां पर एक जैसा टेम्परेचर नहीं है बहुत वेरायटी है इसी रीजन से देखो आपको हाईलाइट करके दिखाया है मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज कैनेडा जर्मनी लोअर टेम्परेचर वाली जगहों पे मैंगो ग्रो नहीं कर सकता और देयर इज नो स्नो लेपर्ड इन केरला फॉरेस्ट केरला में नहीं मिल सकता स्नो लेपर्ड क्योंकि केरला में स्नो नहीं है स्नो लेपर्ड स्नो कवरिंग एरिया में मिलता है उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए और ट्यूना ट्यूनाफिशीज आर रेयर बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लेटीट्यूड इन दी ओशन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड के बियॉन्ड जाने से ट्यूना टूनाफिशीज का मिलना भी रेयर है इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग रेंज की टेम्परेचर से एडेप्टेड है और वहीं रह सकते हैं उसी एनवायरमेंट में जिसके लिए उन्होंने एडप्टेशन फॉर्म किया है या फिर शो किया है अगर टेम्परेचर के बारे में और देखें तो थोड़ा बॉडी की जो प्रोसेसिस है वो कैसे टेम्परेचर से जुड़ी है उसके बारे में देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए नेक्स्ट स्लाइड में टेम्परेचर अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स बेजल मेटाबॉलिज्म एंड दी अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ और दी ऑर्गेनिज्म इसका मतलब समझते हैं अगर एलेवन साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर नाइन आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इसमें हमने समझा था कि एंजाइम्स की जो स्पीड है वो ऑलवेज ऑलवेज टेम्परेचर पे जुड़ी हुई होती है एक फैक्टर टेम्परेचर भी है बहुत से फैक्टर थे उसमें से एक फैक्टर टेम्परेचर कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर क्रॉस कर लेता है टेम्परेचर वो तो एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन हो गई अगर 40 डिग्री तक टेम्परेचर सेल्सियस में पहुंच गया तो पर अब दी फोर्टी डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी के सारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे वर इससे डेथ हो सकती है क्योंकि विदाउट एनजाइम बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती सेल के अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शन शट डाउन हो जाएगी तो सेल खत्म हो जाएंगे सेल खत्म तो इंसान भी खत्म बेजल मेटाबोलिज्म टेम्परेचर बी एम आर को अफेक्ट करता है बेजल मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म की स्पीड की बात कर रहे हैं मेटाबोलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती है सेल को हमने केमिकल फैक्ट्री माना है उनके अंदर चलने वाली जो रिएक्शन है उसकी स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंडेड है और ढेर सारे फंक्शंस कहते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से डिहाइड्रेशन हो सकता है पानी का लेवल कम होगा तो ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है ऐसे तो बहुत से फंक्शन ले सकते हैं बॉडी के अंदर चलने वाली फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस फिजियोलॉजी मतलब बॉडी की कौन कौन सी प्रोसेसेस इसमें आएंगी ब्रीदिंग प्रोसेसेस सर्कुलेटरी जो प्रोसेसेस है डाइजेशन जो है एक्सक्रीशन जो है यूरिन फॉर्मेशन जो है ये सब फिजियोलॉजी अंदर की तो ये हमने देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर बॉडी को अफेक्ट करता है अगर ये बॉडी को अफेक्ट करता है तो बॉडी को कुछ ना कुछ एडजस्ट करने के लिए करना पड़ेगा वरना सर्वाइवल इंपॉसिबल हो जाएगा तो हमने भी देखो कौन कौन से टॉलरेंस डेवलप किए नेक्स्ट टॉपिक में दिखाया है कि ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को बचाने के लिए दो तरीके के टॉलरेंस डेवलप किए थर्मल टॉलरेंस मतलब ऐसे टॉलरेंस जो टेम्परेचर के लिए डेवलप किए गए हैं दो टाइप है यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल यूरी का मतलब होता है वाइड स्टेनो मतलब नेरो यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ी रेंज के टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं जैसे कि टर्डीग्रेडी ले लो टार्डीग्रेड आज के समय में रिसर्च में सबसे ज़्यादा रिसर्च जिसके ऊपर किया जा, जा रहा है वो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉलरेंस दिखाने वाला ऑर्गेनिज्म अब तक हमें टाडीग्रेड जैसा टॉलरेंस दिखाने वाला दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिल पाया ज़रूर सर्च करिए गूगल पे टार्डिग्रेड क्या है वाइड रेंज टेम्परेचर कहते हैं कि माइनस में भी बहुत लोअर डिग्री टेम्परेचर और हायर में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये बियर कर लेता है मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइनस में जाने के बाद भी अपने आप को सस्टेन कर सकते और टेम्परेचर फिफ्टी डिग्री या उससे ज़्यादा होने के बाद भी सस्टेन कर सकते हैं मतलब जिनकी रेंज बहुत बड़ी है टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए जबकि स्टेनोथर्मल है वो कुछ ही टेम्परेचर रेंज को सस्टेन कर सकते हैं जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा तीस डिग्री में सर्वाइव करेंगे और मैक्सिमम फोर्टी पे तो इनकी रेंज तीस से फोर्टी के बीच में है दस डिग्री का ही एक रेंज है सपोज यूरी थर्मल में रेंज बड़ा होगा जैसे कि वो आ, दस डिग्री माइनस से लेके कर फिफ्टी डिग्री तक अपने आप को बीयर कर रहे हैं तो बड़ी रेंज वाले जो है वो यूरी थर्मल और जो छोटी रेंज तक ही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं वो स्टेनोथर्मल ये आगे भी आएंगे वर्ड्स तो अभी ये समझ लीजिए कि यूरी मतलब वाइड रेंज स्टेनो मतलब नेरो तो यहाँ तक जो टॉपिक था वो था टेम्परेचर के रिगार्डिंग बहुत ईजी पार्ट था ये उसके बाद वाटर उससे भी ईजी वाटर के बारे में कौन नहीं जानता सबसे इंपॉर्टेंट uh, फैक्टर है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है अर्थ पे लाइफ की शुरुआत जो कह सकते हैं कि लाइफ ऑन द अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर विदाउट वॉटर वी कैन नॉट इवन इमेज इन इवोल्यूशन एंड द लाइफ अब सवाल ये उठता है कि चलो पानी के विदाउट तो लाइफ पॉसिबल नहीं है हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रपोशन में वाटर अवेलेबल है ये हर कोई जानता है पर डेजर्ट्स ऑर्गेनिज्म है उनका क्या उनको तो पानी बहुत कम मिलता है तो उन्होंने लिमिटेड अमाउंट जो है वाटर का उसके लिए अपने आप को एडेप्ट कर रखा है चौथे पॉइंट में ये देखिए कि प्लांट जो है वो पानी के ऊपर डिपेंडेड है क्योंकि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक जो सब्सटेंस है एक जो एलिमेंट है वो वाटर भी है सी ओ टू प्लस एच टू ओ गिवस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब सी ओ टू प्लस एच टू ओ मतलब दो सब्सटेंस हुए सी ओ टू के साथ एच टू ओ भी चाहिए तब जाके बनेगा फूड इसका मतलब प्रोडक्टिविटी प्लांट की प्रोडक्टिविटी मतलब है जो फूड बनाने की प्रोसेस है वो बहुत अफेक्ट करती है विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल है क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो सी ओ टू अंदर ही नहीं आएगा और फिफ्थ टॉपिक देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अब ये तो पानी में ही रह रहे हैं इनके पास इतना सारा पानी है जितना किसी के पास नहीं उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है क्योंकि ओशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में सोल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो उनको सोल्ट के सामने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है पी मेजर इम्पोर्टेंट है मेजर फैक्टर है वो भी अब देख लीजिए कि सोल्ट का अमाउंट फाइव परसेंट हो सकता है इनलैंड वाटर में थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट सोल्ट मिलता है सी में और उससे भी ज़्यादा सॉल्ट मिलता है हमें हाइपर सलाइन लगूनस में हंड्रेड परसेंट सॉल्ट एक्सट्रीम सॉल्ट वाली कंडीशन में बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि जब आप एक्सट्रीमली सॉल्ट एन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपके बॉडी का पानी आपकी बॉडी के सेल से बाहर के एन्वायरमेंट में मूव करने लगेगा जिसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते थे यहाँ प्लाज्मोलिसिस नाम की प्रोसेस होने लगेगी इलेवेंथ साइंस में जो हमने पढ़ा था सेल से लगेगा श्रिंक होने लगेगा और ऐसा हो गया तो सेल के अंदर की केमिकल रिएक्शन बंद होने की वजह से सेल शटडाउन हो सकते हैं और उससे डेथ भी हो सकती है अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें ये जो सेलिनिटी की बात है कि हमने देखा कि भाई ओशन में डिफरेंट अमाउंट है सोल्ट का रिवर और लेक के वाटर में सोल्ट का लेवल डिफरेंट होता है एक फ्रेश वाटर फिश होती है जो एक्सट्रीमली लो सॉल्ट वाले एनवायरमेंट में रहना पसंद करती है उसी से अडप्ट है और एक होती है जो सलाइन वाटर में रहना पसंद करती है जो सी में रहती है ऐसी फिशेस तो ये जो टॉलरेंस है सेलिनिटी के टू उस हिसाब से दो टाइप्स है अगेन वही सेम यूरीइन एंड स्टेनो हेलाइन यूरी का मतलब वाइड स्टेनो मतलब अगेन नेरो हेलाइन मतलब एलाइन मतलब दिस वर्ड इज़ रिलेटेड विद दिसनिटी सोल्ट ने जिसे बोलते सोल्ट का जो अमाउंट है इंटेंसिटी है उस पर जो डिपेंडेड है वो यूरी हेल वाले बहुत बड़ी रेंज की सेलिनिटीज में रह सकते हैं इसका मतलब है कि वो एकदम नेरो जो सलाइन कंडीशन है बहुत कम सोल्ट वाली वहाँ से लेके ज़्यादा सोल्ट वाली कंडीशन में भी रह लेते हैं और स्टेनो वाले बहुत नेरो रेंज में रह रहते उनकी रेंज बहुत छोटी है एग्जाम्पल्स देखिए यूरी हेलाइन के एग्जाम्पल्स क्या है और स्टेनो हेलाइन के क्या आपको दो ऑर्गेनिजम्स बताए ऊपर और नीचे दो बताए एक फिश बताइए कॉमन मॉली और आपको और एक एग्जाम्पल दिखा है उसके साथ गोल्ड फिश है स्टेनो हेलाइन में और जो दूसरा टॉपिक है वो है इसी रीजन से फ्रेश वाटर एनिमल सी वाटर में नहीं रह सकते और सी वाटर के एनिमल फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते एंड वाइस वर्षा मतलब है कि सी वाले फ्रेश में नहीं रह सकते फ्रेश वाटर वाले सी में नहीं रह सकते ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होगा इसके बारे में कुछ डिटेल में समझा नहीं है पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम होगा फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते फ्रेश वाटर की फिश अगर सी वाटर में चली जाती है तो उसकी बॉडी से पानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलने लगेगा वो पानी में रहने के बावजूद भी वाटर के कम होने की वजह से मर सकती है और अगर सी वाटर की फिश है वो अगर फ्रेश वाटर में आ गई तो ढेर सारा पानी उसके बॉडी में जाने लगेगा और एनिमल सेल है वो फूलने लगेगा और सेल बर्स्ट हो सकता है तो एक्स्ट्रा वाटर के अंदर जाने से उसकी डेथ हो सकती है तो दो प्रॉब्लम हो सकती है और ये प्रॉब्लम किससे जुड़ी हुई है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम से तो यहाँ तक की जो बात थी वो वाटर की थी वाटर कैसे अफेक्ट करता है लिविंग को अब तीसरा एबायोटिक फैक्टर है नॉन लिविंग फैक्टर लाइट हम जानते हैं कि प्लांट नीड सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस उसी से वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं और उसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घूमते हैं और एटीपी बनता है वही एटीपी हम यूज में लेते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए ये पूरी प्रोसेस चैप्टर नंबर थर्टीन में इलेवन साइंस में हम पढ़ चुके हैं पर यहाँ सेकेंड पॉइंट देखना है स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट्स हर्ब्स एंड शब्स हम जानते हैं कि हमने प्लांट्स को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाइड किया है हर्ब्स उससे बड़े जो है वो श्रप्स उससे बड़े स्मॉल ट्रीज उससे भी बड़े लार्ज ट्रीज तो यहाँ बता रहे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर्ब्स और शब्स को है जनरली इनको लो लाइट मिलती है क्योंकि ये बड़े ट्री के नीचे ग्रो होते हैं तो बड़ा ट्री जो है वो नीचे लाइट को उतनी नहीं आने देता केनो ट्रीज ओवर शेडोड बाई दी टोल एंड कैनो पाइस्ट्री मतलब बहुत बड़े बड़े जो पेड़ है उसके नीचे ये ग्रो करते तो उनके शेडों की वजह से ये ग्रो नहीं हो पाते तो इनको कम लाइट मिलती है पर फिर भी ये कम लाइट में भी फोटो सिंथेसिस करने के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एडप्ट हो चुके हैं थर्ड पॉइंट देखिए मेनी प्लांट्स डिपेंड ऑन सन लाइट फॉर फोटोपिडोडिज्म ये भी इलेवेंथ में पढ़ चुके हैं कुछ प्लांट में फ्लावर तभी आता है जब उनको कुछ आवर्स से ज्यादा अमाउंट में लाइट मिले और कुछ के तब आते हैं जब उनको लो अमाउंट में लाइट मिले याद हो तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था इस टॉपिक का नाम क्या था फोटो पीरियोडिज्म। जहाँ पर पीरियडिज्म मतलब अमाउंट पीरियड एक टाइम पीरियड की बात है फोटो मतलब लाइट फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए लाइट कितने टाइम के लिए मिलती है वो डिपेंड करता है लॉन्ग डे प्लांट को ज़्यादा लाइट चाहिए शॉर्ट डे प्लांट को कम लाइट चाहिए डे न्यूट्रल प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लाइट मिल रही है ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है वो न्यूट्रल है ये इलेवंथ का टॉपिक था इसमें हमें समझना नहीं है मैं जस्ट याद करवा रहा हूँ और फोर्थ टॉपिक है मैनी एनिमल यूज द डाई यूरना एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड द फोटो पीरियड फॉर टाइमिंग देयर फोर एंड रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ काफ़ी एनिमल लाइट पे डिपेंडेड है उसकी इंटेंसिटी पे रिप्रोडक्शन के लिए उनको सीज़न्स का पता तब चलता है जब एक लाइट की इंटेंसिटी में बदलाव आता है और तभी वो रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि वो कंडीशन उनके बच्चों के लिए उनके बच्चों के सर्वाइवल के लिए ज़्यादा शूटेबल होती है माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम एग्जाम्पल uh, ले लेते हैं फ्लेमिंगोज़ का साइबेरियन बर्ड्स ये उड़ते उड़ते हिमालयन रीजन से होते हुए गुजरात या भरतपुर तक आ जाते हैं भरतपुर राजस्थान में आई हुई बर्ड सेंचुरी है और यहाँ पर जिसको हम नल सरोवर कहते हैं वहाँ पर गुजरात में ये आ जाते हैं क्यों आते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जब भी वहाँ से माइग्रेट करते हैं उस माइग्रेशन का रीजन है वहाँ का एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर विंटर की शुरुआत में जब उनको पता चलता है कि आने वाले वक्त में यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो वहाँ से माइग्रेट कर लेते हो टेम्पररीली हमारी लोकेशन पे आ जाते और यहाँ से फिर वापस माइग्रेट करके वहाँ चले जाएंगे जब उनको लगेगा कि अब इतने समय के बाद वहाँ का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो गया होगा माइग्रेशन के लिए अगेन इन्होंने लाइट का इस्तेमाल किया लाइट कितनी इंटेंस थी कितनी इंटेंसिटी थी उसमें कितना बदलाव आया उससे इन्होंने डिसीज़न लिया कि कौन से टाइम से माइग्रेशन शुरू करना है हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस ये लोग उड़ के कवर करते हैं लाइट के बारे में सेकेंड स्लाइड में बताया है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर द लाइट एंड द टेम्परेचर हम जानते हैं जितनी ज़्यादा लाइट है उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा लैंड पे और सन इसका सबसे बढ़िया सोर्स है पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो सेकेंड आपको पॉइंट में दिखाया है और आपको फिगर भी दिखाई है सेकेंड देखिए डीप ओशन जो है 500 मीटर मतलब आधे किलोमीटर के नीचे जाओगे तो ओशन के नीचे डार्कनेस कवर होने लगेगी जहाँ पर सन की कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है जिन्होंने अपने आप को लो लाइट एनवायरमेंट में अडाप्ट कर लिया है और द स्पेक्टल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हम जानते हैं कि सनलाइट uh, से सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम नहीं डिलीवर होता इनफ्रा जिसको हीट वेव्स कहते हैं वो भी आते यू वी रेस अल्ट्रावाट वो भी आते और यू वी रेस एक्सट्रीमली हार्मफुल है ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव लेयर दे जनरली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम the यूवी लाइट बट हम जानते हैं कि ओजोन लेयर के अंदर depletion होने की वजह से यूवी का काफी बड़ा अमाउंट अर्थ पे आने लगा है सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम अवेलेबल है मरीन प्लांट्स के लिए ऐसा नहीं है यूवी भी आती है और यूवी से प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है इसी रीजन से देखिए इक्वेटर पे सबसे ज्यादा स्ट्रीट लाइट होती है और यूवी लाइट भी इसलिए वहां के लोग काले हैं ब्लैक है क्योंकि यूवी से प्रोटेक्शन के लिए इंसानों ने मेलेनिन नाम का प्रोटीन जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया और मेलेनिन की वजह से हमारी स्किन ज़्यादा ब्लैक दिखती है जो पोलर रीजन्स के टू टूबर्स रहते हैं जैसे कि आप देखिए कैनेडा यू के जो नॉर्थ साइड एरिया में रहते हैं खास करके नॉर्थ अमेरिका और उसका जो स्नो कवरिंग एरिया है जो लोअर टेम्परेचर वाला एरिया ग्रीन लैंड है नॉर्वे है वहाँ के लोग गोरे दिखते हैं उसका रीज़न है वहाँ लाइट कम होती है और उसमें यूवी वी भी कम होते हैं तो यूवी कम तो प्रोटेक्शन के लिए मेलेनिन भी कम बनाया गया है इसलिए वो मेलेन के कम होने की वजह से वाइट दिखते हैं यह अडप्टेशन एक तरीके का जो हमने यूवी के प्रोटेक्शन के लिए किया बाकी यूवी लाइट सबसे ज्यादा हार्मफुल है यूवी से स्किन कैंसर हो सकता है लाइट के बाद का जो टॉपिक है वो है सोइल और सॉइल के बारे में थोड़ा बहुत जो आपको समझा उसमें पहला टॉपिक है द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज डिफरेंट ड्यू टू क्लाइमेट वेदरिंग प्रोसेस सेडिमेंटेशन मेथड ऑफ सॉइल डेवलपमेंट हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके की सॉइल मिलती है ब्लैक सॉइल रेड सॉयल आप सोशल साइंस में पढ़ चुके हो गए साइंस सॉयल के भी टाइप्स होते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की सॉयल होने की वजह से ही वहाँ पर अलग अलग क्रॉप डेवलप किए जाते हैं साउथ इंडिया में जो क्रॉप डेवलप किए जाते हैं वो मिडल uh, में नहीं किए जाते जो ईस्टर्न एरिया में किए जाते वो नॉर्थ में नहीं किए जाते सब जगह अलग अलग क्रॉप मिलते हैं उसका रीज़न वहाँ के सॉइल का कंपोजिशन है और वहाँ कौन से मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है वो भी अफेक्ट करता है अलग अलग जगह पर अलग अलग वेदर है क्लाइमेट इसकी वजह से सॉइल के बनने की प्रोसेस में फर्क है हम जानते हैं कि वेदर ही रिस्पॉन्सिबल था सॉइल फॉर्म होने के लिए तो वेदरिंग प्रोसेस से और क्लाइमेट की वजह से ही सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है तो अलग अलग जगह का वेदर डिफरेंट है तो सॉइल में भी थोड़ा डिफरेंस होगा सेडिमेंटेशन सोयल में लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर कोई ना कोई छोटा छोटा लेयर हर बार ऐड होता रहता है पुराने ऑर्गेनिज्म मरे उनकी डेड बॉडीज से बने हुए जो भी मटेरियल थे जो भी एलिमेंट थे जो डिकम्पोज हो गए और उनकी वजह से सोइल का एक लेयर फॉर्म हुआ जिसने सोइल में न्यूट्रिशन नु, नु, जो लेवल है जो न्यूट्रिएंट्स है उनका लेवल इंक्रीज़ किया इससे सोइल का जो अपर लेयर है वो ज़्यादा फर्टाइल हुआ वो सेडिमेंटेशन के लेवल में भी फर्क है और सोयल डेवलप होने की मेथड से भी सोयल का नेचर अदल अलग हो जाता है बदल जाता है बाकी दूसरा टॉपिक आप देखिए सोइल का कंपोजिशन उसकी ग्रेन साइज पे और उसमें भी अफेक्ट करता है हम जानते हैं कि अलग अलग सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है डेजर्ट्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सट्रीमली लो है वहाँ पर सेंड पार्टिकल्स होते हैं तो वो बाइंड नहीं कर सकते और जिसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिलती है जनरली गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ पर कॉटन ग्राउंड नट्स ग्रो करवाए जाते हैं जो उसी ज़मीन में जनरली सबसे ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं कुकुम्बर वगैरह जैसी चीज़ सेंड वाले एरिया में डेजर्ट एरिया में ग्रो हो सकती है जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है ग्रीन की साइज में भी फ़र्क है अब देखिए तो जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पर ग्रीन साइज बहुत ही छोटी मिलेगी और सैंड की ग्रेन साइज है वो बड़ी होती है तीसरे पॉइंट में देखिए सॉइल में पीएच का भी लेवल अलग अलग होता है मिनरल्स के भी लेवल्स अलग होते हैं जो ट्रोपोग्राफी है वो भी अफेक्ट करता है तो कौन कौन से आपको वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि उस सोइल की पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनरल्स कंपोजिशन सब कैसे है एक्वेटिक एनवायरमेंट में देखें तो द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स आपको दिखा रखा है फोर्थ फोटो के अंदर सोयल का जो सबसे नीचे का जो लेयर दिखाया है एक्वेटिक एनिमल जो है जैसे कि कोई भी आप आ, एक्वेटिक हैबिटेट ले सकते हैं उस हैबिटेट के नीचे तो ज़मीन ही मिलेगी पानी के नीचे वहाँ पर भी सेडिमेंटेशन तो है ही क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल मरते हैं उनकी डेड बॉडीज उनका आ, जो बॉडी वोडीकम्पोज होने के बाद जो भी न्यूट्रियट्स है वो सोइल के नीचे के पोर्शन में क्या होते हैं सेडिमेंट होते हैं तो जो बैंथिक एनिमल है उनके लिए वो सेडिमेंटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनको रहने के लिए आसान बनाती है जो उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है तो सोइल के बारे में हमने समझा ये तो ये क्या था ये टॉपिक हमने जो समझा उसमें हमने चार फैक्टर के बारे में समझी चीज़ें और वो चार फैक्टर्स कौन कौन से थे एबायोटिक फैक्टर्स थे मतलब नॉन लिविंग जो फैक्टर्स है वो लिविंग को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने समझा जिसमें सबसे पहला फैक्टर हमने समझा वो था टेम्परेचर सेकेंड वाटर थर्ड लाइट एंड फोर्थ सॉइल तो अब तक हमने ये समझा कि इकोलॉजी क्या है जिसमें हमने समझा कि ये इंटरेक्शन है लिविंग का लिविंग के साथ और लिविंग का नॉन लिविंग के साथ उसकी स्टडी हमें दिखाता है हमने फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी समझा जिसमें हमने ये समझा कि बदलते हुए एनवायरनमेंट से अपने आप को सस्टेन करने के लिए सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से एनिमल एडप्टेशन करते हैं और एडप्टेशन के बाद वो सर्वाइव कर लेते और रिप्रोडक्शन करते जिसको फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहा उसके बाद हमने ये भी समझा कि अर्थ पे डिफरेंट तरीके के रीजन से हैबिटेट्स है जहाँ का एनवायरनमेंट एक दूसरे से काफ़ी अलग है जैसे डेजर्ट माउंटेंस रेन साक्ट फॉरेस्ट एक्वेटिक हैबिटेट और उसके बाद हमने समझा ए बायोटिक फैक्टर्स कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स नॉन लिविंग जो फैक्टर्स है वो लिविंग को कैसे अफेक्ट करते हैं जैसे टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सोइल। यहाँ तक जो हमने समझा वो एबायोटिक फैक्टर था और वो कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में था अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कि ये एबायोटिक फैक्टर में जो बदलाव आता है जो चेंज आता है उस चेंज के सामने खुद को सस्टेन करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए हमने कौन कौन से किस किस तरीके के एडप्टेशन फॉर्म किए हैं और बिहेवियर फॉर्म किए हमने रिस्पॉन्स क्या दिया उन्हें बायोटिक फैक्टर के सामने वो रिस्पॉन्स की जो बात है वो नेक्स्ट टॉपिक में होगी